ताकि जिसमें भला हो वो इमामा करेगा। मेरे बहन और भाई बहन, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान राजगढ़ विधानसभा के चाटुखेड़ा में पहुंचे, जहां पर भाजपा प्रत्याशी अमर सिंह यादव के समर्थन में जनसभा को आयोजित किया। जनसभा को आयोजित करते हुए मुख्यमंत्री बोले कि हर परिवार को रोजगार दिया जाएगा, लाडली बहनों के पैसे 1250 से 3000 रुपए कर दिए जाएंगे। वह चाटुखेड़ा में उप स्वास्थ्य केंद्र खुलवाने की बात की गयी। थोड़ी देर हो गई, मुझे हेलीकॉप्टर से आना था, लेकिन लोगों की शिकायत ऐसी है कि मुझे पकड़ने के मामा 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 निकलने नहीं देते थे। और होते होते थोड़ी देर हो गई, रास्ते में भी कुछ लोग नाराज भी होंगे, लेकिन खड़े थे सबसे मामा मामा के जरूर करेंगे। आज ही काटा और इसे दोनों हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ, बहुत देर से मैं आया हूँ, मुझे माफ कीजिएगा। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, मैं सरकार नहीं चलाता, मैं परिवार चलाता हूँ। आप सब मेरा परिवार है, ये मेरा परिवार है। इधर के दिखने को निर्माग जनता को देखने को, और अब सब शांत हो जाएंगे बोलने में। भारत माता की। अच्छा ईमानदारी से बता, मैं मुख्यमंत्री लगता हूं कि भैया, और भांजे भांजियों का मैं तो भैया और मामा हूं। कांग्रेस के अंदर खड़गे जी कह रहे थे कि शिवराज अपने आप को भगवान समझता है, लेकिन मैं कहता हूं मध्य प्रदेश मेरा मंदिर है, उसमें रहने वाली एक जनता ही मेरी भगवान है, और इस जनता का पुजारी शिवराज सिंह चौहान है। मैं आपके लिए काम करता हूं, और इसलिए मेरी रहनो बहुत दिनों से मेरे मन में ये बात थी, मैं जिला मदद कर बोला बोला बस मैं बोलूंगा भारत माता की। मेरी बहनों, मैं अपने गांव में भी देखता हूं, अगर बहन को 1000-2000 रुपए की जरूरत पड़ जाए तो कई बार हाथ फैला के पड़ते हैं। पैसे की जरूरत पूरी हो पाता तो मैं बहुत दिनों से सोच रहा था बहनों की तकलीफ दूर करने के लिए मैं क्या करूंगा। मैंने बहुत विचार किया, फिर एक ही विचार आया, कुछ मत कर शिवराज, बहनों के खाते में सीधे पैसा डाल दे, उनकी समस्या का समाधान हो जाएगा। और इसलिए मैंने लाडली बहना योजना बना दी, और मेरी लाडली बहनों, वैसे 10 तारीख को पैसा डालता हूं, लेकिन धनतेरस के दिन पहले ही कभी मैंने पैसा डाल दिए। बहनों के खाते में आ गए पैसा, अरे जोर से बोलो आ गए कि नहीं। अब अमर सिंह कई कहने रह गई है, हर गांव में 5-5 रुपए छूट गई कि नहीं, तो बताओ उनके नाम में जुड़ना चाहिए कि नहीं। तो इस बार सरकार बनते ही पोर्टल खोलूंगा और सब बहनों के नाम फिर से जोड़ दिए जाएंगे। और एक काम और कर रहा हूं, अभी 27-28 साल तक की उम्र की बेटी जिनकी शादी हो गई है उनके खाते में पैसा डालेंगे। और हम मेरी बेटियों को पढ़ना दे, जिनके शादी उम्र में क्यों शादी करें, कहीं नहीं करते। और इसलिए 21 साल से ऊपर की उम्र की जितनी बेटियां हैं सबके खाते में पैसे डालूंगा। मेरे बहनों के लिए केवल ये 1250 नहीं रहेंगे, अभी तो पैसे के जुगाड़ में लगाऊं मैं। पहले बहुत है मेरी 1,32,00,000, कितना भाग्यशाली भाई हूं, मेरी 1,32,00,000 कहना है। और अभी और जोड़ेंगे तो 1.5 करोड़ तो हो जाएंगे कम से कम, और पैसा डालता है तो 15,000 करोड़।
बहनों के लिए पैसे की कमी नहीं है। जैसे इंतजाम होगा 1250 से बढ़ा के 1500, फिर 1750, फिर 2000, फिर 2250, फिर 2500, फिर 2750 और बाद में बढ़ा के कितने करूंगा? अरे जोर से बोलो, जिस दिन 3000 करूंगा उस दिन मुझे चैन की नींद आएगी कि मैंने अपनी बहनों की जिंदगी बदल दी। ये केवल राजनीति, ये बहनों की जिंदगी बदलने का अभियान है मेरा। मैंने क्यों आंसू बहाए, क्यों हाथ फैलाए और बताओ मेरी बहनों, इस योजना के बाद आपकी जिंदगी में खुशी आई है कि नहीं आई? मैं कई बार बहनों से पूछता हूं क्या परिवर्तन आया, तो कई बहनों ने कहा कि घर में इज्जत बढ़ गई है आजकल तो भैया। साहब पहले तो डांट फूट दिया करते थे, लेकिन जब से पैसे आ रहे बड़े प्रेम से बोलते हैं, गुड्डू की मम्मी आ गए कि नहीं आए पैसा? ये अभियान बहनों की जिंदगी बदल लेगा। और आगे जो मेरा संकल्प है आप ध्यान से सुनना, भाषण नहीं दे रहा, जो मैं कहने, जो मैं करने वाला हूं वो कह रहा हूं। मेरा लक्ष्य, मैं अपनी हर बहन को लखपति दीदी बनाऊंगा, लखपति दीदी। और लखपति का मतलब है साल में 1,00,000 रुपया से ज्यादा आमदनी हो, मतलब 10,000 रुपया महीना कम से कम। और वो स्व सहायता समूह बना के मैं करूंगा, चाहे कुछ हो जाए, बहनों तुम्हारे साथ तुम्हारा ये भाई खड़ा है, तुम्हें उस रास्ते पर चलेगा। लेकिन किसान भाइयों, बहनों को अगर 1250 मिल रहा है तो 1000 तो किसान भाइयों अपन को भी मिल रहा है। 6000 पीएम, 6000 सीएम, 6 पीएम साहब ने दिए, नक्षत्र भी डाल सकते। और केवल 12,000 थोड़ी रहने लगे, इंतजाम में लगा हुआ। और आगे मैं सोच रहा हूं सब तरह की सब्सिडी खत्म करके किसान के खाते में सीधे पैसा डाल देना चाहिए, बाकी काम किसान अपने आप कर ले। कांग्रेस ने किसानों के लिए कुछ नहीं किया, इतने बरस सरकार चलाई, बोलो भाइयों बहनों कभी खाते में पैसा डाला क्या? सिंचाई का पानी कभी दिया क्या? पीने का पानी कभी दिया क्या? अगर मोहनपुर आप कुंडलिया भी बनाए तो दिग्विजय सिंह ने नहीं बनाए, शिवराज सिंह चौहान ने बनाए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और बहनों पाइपलाइन बिछा के हर गांव में टंकी बना के घर में टोटी वाला नल लगा के तुम्हें पीने के पानी की व्यवस्था करूंगा। टोटी खोलोगी तो बर्तन भर जाएंगे, हैंडपंप की खटर खटर नहीं करनी पड़ेगी, निराकरण में कितनी दिक्कत थी जिले। सूखा ग्रस्त हमारा जिला परेशान रहता, एक तरफ विकास के काम, देखो जैसी सड़के भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाई, कभी कांग्रेस ने बनाई थी क्या? कोई लेने ही देना नहीं था विकास। वो कहते थे विकास से चुनाव नहीं जीते जाते, अरे राजा दिग्विजय सिंह विकास हो जाए तो तुम्हारा खुद का हो जाए। जनता भटकती रहा और तरसती रही कि तुमने किया। लेकिन मेरे भाई और बहनों, आगे जो हमने सोचा है, कई लोग अभी ऐसे हैं राजगढ़ जिले में, पूरे प्रदेश में गरीब है लेकिन पक्के मकान नहीं बन रहे, बात सही है कि नहीं? प्रधानमंत्री आवास योजना में नाम नहीं आए, नाम छूट गए। तो अगला हमारा लक्ष्य प्रधानमंत्री आवास योजना में जिनके नाम छूट गए उनके लिए मैंने बनाई मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना। फॉर्म भरवा दिए हैं, भर गए कि नहीं भर गए? जांच करके और अब उनके भी मकान बनाने के लिए पैसा दिया जाएगा ताकि हर गरीब का घर पक्का बन जाए। बोलो होना चाहिए कि नहीं? रसोई गैस का सिलेंडर 450 में दूंगा, चिंता मत करना। और बिजली के जिनके बड़े बड़े बिल आए हैं वो बड़े बिल गरीब और निम्न मध्यम वर्गीय परिवार के
बड़े बिल आप नहीं भरवाओगे, मामा भरवाएगा, 100 रुपया महीने केवल बिजली का बिल आएगा, इसका इंतजाम नहीं कर। और मेरे बेटा बेटी जो मामा मामा कहते मेरे पीछे दौड़ते हैं, अभी भी लगभग हर गांव में जहां से गुजरे खड़े थे, मामा मामा रुके की भाई अरे बिया नहीं आ पाता, जरा जरा से बच्चे बाकी बोलते बैठे बैठे चिल्लाते हे मामा ओ मामा। उनको पता नहीं कि मामा सीएमएम क्या होता है, वो तो जानते हैं दुबला पतला आदमी अपना तो मामा है यार। उन बच्चों का भविष्य बर्बाद नहीं होने देंगे। इस शिक्षा की व्यवस्था ठीक करने के सीएम राय स्कूल बनवा रहा हूं, अपना काम बन रहा है राजगढ़ विधानसभा में सीएम राय स्कूल राजगढ़ में। और मैं आज ये कह रहा हूं चाटुखेड़ा वालों, अरबपति राजा महाराजाओं के बेटे जैसे स्कूल में पढ़े हैं उनसे बेहतर स्कूल किसान और गरीबों के बेटा बेटियों के लिए बनवाऊंगा। एक एक की बिल्डिंग 40-40 करोड़। और केवल राजगढ़ में नहीं रहेगा, राजगढ़ विधानसभा में अमर सिंह 10 सीएम राइट स्कूल बनवाऊंगा। चाटू खेड़ा में भी बनाएंगे, चिंता मत करना। बस लेने जाएगी और बस छोड़ने आएगी, गरीब और किसान के बेटा बेटियों को उच्च गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा। कांग्रेस ने क्या किया बच्चों की शिक्षा के लिए? मैंने तो साइकिलों से साइकिल दी, लैपटॉप दिया, वो लैपटॉप कमलनाथ ने बंद कर दिए थे, 12वीं में अच्छे नंबर ना आए तो मामा लैपटॉप देता है, और नंबर 1-2 आए तो स्कूटी भी दिलवाता हूं। और एक बात सुन लेना, ज्यादा समय नहीं है, एक बात सुन लेना, मेरे बच्चे पढ़े मेडिकल और इंजीनियरिंग में एडमिशन हुआ तो फीस चाहे कितनी भी हो उनकी वो फीस उनके माता पिता नहीं भरवाएंगे, उनका मामा शिवराज सिंह चौहान और भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएंगे। बच्चे आगे पढ़े इसका हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। कांग्रेस ने कई तरह के पाप किए, उसमें से एक था मेडिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई अंग्रेजी में करवाने ताकि राजा महाराजाओं के बेटे बड़े पदों पर पहुंचे, उद्योगपतियों के बेटे बड़े पदों पर पहुंचे। मैंने अब तय किया कि मेडिकल की पढ़ाई भी हिंदी में करवाऊंगा, पाठ्यक्रम तैयार करके लागू कर दिया ताकि हमारे बच्चे भी आगे बढ़ पाए। और अगली बार के लिए, अगली सरकार के लिए एक प्रमुख कार्यक्रम होगा प्रत्येक परिवार एक रोजगार, प्रत्येक परिवार एक रोजगार। मेरे साथ बोलो प्रत्येक परिवार बेरोजगारी को खत्म करना, इन बच्चों का भविष्य बेहतर बनाना। मैं केवल इसलिए नहीं हूं तो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा रहा हूं, आपके भाग्य और भविष्य को बदलने के लिए यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमने चलाई है और आगे भी चलाएंगे। कांग्रेस भला नहीं कर सकती, कांग्रेस तो हमारे जितनी बहने बैठी ना चुनाव आयोग में शिकायत कर रहे थे पैसा रोको, पैसा मत जाने दो, चुनाव है पैसा मत जाने दो। मामा कह रहा चुपके से पैसा डाल दूंगा, अरे मैंने कहा चुपके से काय को डालूंगा, डंके की चोट डालूंगा, और डलना पैसा चट्टा की कोई बात नहीं। और जब तक मैं हूं कोई ताकत पैसा बंद नहीं कर सकती मेरी बहनों, चिंता मत कर। लेकिन ये कांग्रेस वाला नहीं कर सकता, ये तो रोज मुझे गाली देने का काम करती है, एक बार तो सोशल मीडिया पर पोस्ट डाली मामा तेरा श्राद्ध हो गया। मैं इनका मर भी गया और राख के ढेर से फिर उठ के खड़ा हो जाऊंगा और अपनी जनता की जिंदगी बनाने का। मैं आप सबसे ये निवेदन करने आया हूं, आपने कहा मोहनपुरा डैम का पानी जल्दी छोड़ दिया जाएगा, चिंता मत करना। मुझे अभी बताया है पानी तालाब में भी जाए खेतों में भी जाए इसका इंतजाम करें, मैं तो जनता के लिए हूं, मुझे क्या लेना देना, जनता का जिसमें भला हो कोई मामा करेगा। मेरे बहन और भाइयों दिल से हाथ रख के ईमानदारी से बताना, मैंने कैसी सरकार चलाई, अच्छी चलाई कि बुरी चलाई? तो फिर से यह सरकार बनना चाहिए कि नहीं? और बनेगी तब जब अमर सिंह विधायक बन जाएगा, पिछली बार भी इसलिए रह गए थे कि नहीं बन पाया, हार गए थे,
में सरकार रह गई, इस बार तो नहीं रहेगी। आप सब बताएंगे, कमल के फूल के बटन दबाएंगे, अमर सिंह को एमएलए बनाएंगे, मोदी जी को आशीर्वाद देंगे और मामा को भी आशीर्वाद देंगे। क्षेत्र से जुड़ी हर खबर की अपडेट के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें।